आजमगढ़ के ग्राम सभा पवनी कटाई में बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का स्वागत समारोह 1 जुलाई 2022 को किया गया, जिसमें सांसद दिनेश लाल यादव ने बताया कि 15 साल का काम 15 महीने में होगा और आजमगढ़ से अब जहाज भी उड़ाई जाएगी। यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह के नेतृत्व में किया गया था। ध्रुव सिंह ने आए हुए सभी लोगों का आभार व्यक्त किए। इस अवसर पर सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और ग्राम के सभी ग्रामवासी मौजूद रहे। देखिए पूरी खबर पवन पुरोहिया न्यूज पर। सतीश चौहान के साथ आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। ऐसा विशेष योग्यता ना आदमी खातिर के हमारे जीत भैले जीते से भैले कि आप सबके दिल से आशीर्वाद निकला, दुआ निकला कि ये ना पानी जीत जाए तो कोई जीत भैले भैया। तो हम आप लोग से आज आजमगढ़ के सेवक बनने के बाद एक गांव में, ऐतिहासिक गांव में अपने अध्यक्ष ध्रुव सिंह जी के गांव में आप लोग से ही बतावे खातिर आ रही कि आप लोग को मेहनत, आप लोग को आशीर्वाद, आप लोग को उम्मीद, आपके निराश ना होके के पड़ी जीत के जैसे हम गई और पूजनीय महाराज जी के चरण में कमल रखे और कहने के आजमगढ़ में अगर फिर गया ऐसे। लेकिन आजमगढ़ को जैसे कि हमारे पूर्व विधायक जी ने बोले कि आजमगढ़ को 15 साल का काम 15 महीने में चाहिए, 15 महीने में करना पड़ेगा। तो हम अपने आजू बाजू में काम होकर शुरू हो गई चाहे कि पूजनीय महाराज जी आदेश दे दे हो और आज एक नई खबर तो हम लोग के आजमगढ़ से अब जहाज भी उड़ी, जहाज उड़ने की तैयारी हो गई। पूजनीय महाराज जी जहाज उड़ाने खातिर जाने जाने जिला का चयन करना हो तो रहे आजमगढ़ का नाम है, आज नाम आ गए तोरे आजमगढ़ का तो तोरे आजमगढ़ से जहाज भी उड़ी, आजमगढ़ से जो जन ट्रेन बंद रही है वो ट्रेन चालू हो, एक ट्रेन बंद ना रही, एक